युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे श्रीमद् भगवद गीता के भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर चौथे दिन कथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज विद्या भास्कर ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान की कथाएं अनेक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए रहती हैं। भगवान का अवतार कई कारणों से होता है। वह अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान अपने अवतारों में स्वयं आचरण करके दिखाते हैं, जिससे मनुष्य उसका अनुसरण कर सके। भगवान कहते हैं, हमें मानो या ना मानो, पर हमारे मानने वाले हमारे भक्तों पर अपराध करोगे तो निश्चित रूप से दंड पाओगे। उन्होंने कहा कि अतिथि का सत्कार सदैव करना चाहिए। जब बालक नचिकेता यमराज के यहाँ जाता है, यमराज के द्वार पर 3 दिन 3 रात प्रतीक्षा करता है। यमराज आए तो पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो नचिकेता कहता है कि प्रथम दिन में आपकी कीर्ति को खाया, दूसरे दिन आपके वैभव को खाया, आज तीसरे दिन आपको खाऊंगा। यह सुनकर यमराज थर थर काँपते हैं और उनको मनाते हैं और 3 वरदान देते हैं, क्योंकि नचिकेता अतिथि के रूप में आया था और तीसरे दिन यमराज उससे मिलते हैं। इस प्रकार अपने संकल्प से नचिकेता यमराज से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और उनके सभा में मंत्री पद को सुशोभित करता है। उन्होंने कहा कि भगवत पुराण में समुद्र मंथन में 11 रत्नों की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि विष्णु पुराण में 16 रत्नों की उत्पत्ति बताई है। भगवान के अंदर सभी सद्गुण विद्यमान होते हैं। लक्ष्मी जी उन्हीं को सुशोभित करती हैं जो सद्गुणी और उद्योग करने वाला होता है। इसलिए मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। इस प्रकार के गुण वाले भगवान विष्णु को ही वरण करती हैं। जो भी व्यक्ति उद्यमी है, सहनशील है, लक्ष्मी का कृपा पात्र होता है। समुद्र मंथन में जब अमृत निकलता है तो अमृत सबसे पहले राक्षसों के हाथ लगता है, परंतु राक्षस अमृत का पान नहीं कर पाते, क्योंकि वहां सुमति नहीं है, वहां तो विमति है। हर राक्षस पहले हम पिएंगे कह के आपस में झगड़ा करने लगे। जिस समाज में इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है, वह समाज कभी प्रगति नहीं करता, क्योंकि यह राक्षसी प्रवृत्ति है। आज की कथा में कथा व्यास ने अम्बरीश व दुर्वासा, गज और ग्राह, नचिकेता और यम, भृगु जी एवं तीनों देवों की परीक्षा, अगस्त ऋषि द्वारा समुद्र का पानी पीना, मंथन, शिव द्वारा हलाहल पीना जैसे प्रसंगों का तात्विक विवेचन किया। कथा का समापन आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। व्यासपीठ का अर्चन वंदन पूजन इसके पश्चात कर लिया तो अमर माने देवता और दानवा माने दैत्य, देवता दैत्य दोनों प्रीता मतलब प्रसन्न हो। बोले अभी आप इनको अमर क्यों कह रहे हैं, अभी तो अमृत पिया ही नहीं, तो अमर कहां से हो है? और कह रहे हैं प्रीतास्ते अमर दानवा, अमर और दानव। बोले भाई अमर नहीं हुए, अमर होने वाले तो हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमान बद्वा पाणिनि का सूत्र है। वर्तमान के समय भी रहे तो जैसे यहाँ 22 तारीख को कथा हो रही है, 24 तारीख को, 23 तारीख को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा और कथा की पूर्णता हो रही है, होगी नहीं हो रही है का प्रयोग कर देते हैं ना आप सब लोग, वो व्याकरण सम्मत है। अरे 25 तारीख से वहां यज्ञ हो रहा है, मतलब 25 तो अभी आने वाली तारीख है, हो रहा है क्यों होगा? बोले वर्तमान के समीप में रहने पर वर्तमान की तरह प्रयोग होता है। वर्तमान सामीपे वर्तमान वद वा, वा माने विकल्प से ऑप्शनल प्रयोग है, मतलब
वर्तमान काल का भी प्रयोग होगा, भूतकाल का माने भविष्य काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यज्ञ होगा, यज्ञ हो रहा है नजदीक, अगर दो चार दिन के अंदर हो रहा है तो आप लोग प्रयोग करते ही, अध्यापक लोगों को मालूम है। दूसरी बात एक और भी है, बोले क्या? नजदीक होने के नाते कोई खटिया बीन रहा होता है, देहातों में खाट बीनते थे ना पहले, या माताएं स्वेटर बुन रही हैं, तो कोई पूछेगा क्या कर रही हो, बोले स्वेटर बुन रही हूं। स्वेटर बुन रही हो? अरे स्वेटर तो बाद में होगा, स्वेटर स्वेटर माने क्या हुआ मालूम है? स्वेट स्वेट माने पसीना, और स्वेटर माने जो पसीना ला दे, पसीना पैदा कर दे, वो स्वेटर हो गया। आई बात समझ में? स्वेट माने पसीना और स्वेटर माने पसीना पैदा करने वाला, स्वेटर पहन लोगे तो पसीना हो ही जाएगा, स्वेटर। और ये स्वेट जो है वो हमारे संस्कृत के स्वेद शब्द से बना है, स्वेद स्वेद संस्कृत में कहते हैं ना, स्वेद। और स्वेद से स्विन्न हो गया है, क्या हो गया? जैसे खेद से खिन्न हो गया, भेद से भिन्न हो गया, छेद से छिन्न हो गया, वैसे ही स्वेद से स्विन्न। स्विन्नम वक्त्रम कावर बिगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा जी जब मंथन कर रही हैं तो उनके चेहरे का वर्णन किया गया है स्वेद के रूप में, पसीना के रूप में। आज सवेरे उदय प्रताप सिंह जी बता रहे थे ना महंत वैद्यनाथ जी की घटना, कि वो हरिजन के यहां चले गए भोजन के लिए, वो खर्राटा लगा के सो रहा था और वहां आटा सानते समय उसका पसीना टपक पड़ा, तो महाराज जी ने कहा ये गंगा जल से भी पवित्र पसीना है। आज सवेरे ही आप भी तो बैठे थे जब कह रहे थे, तो महाराज जी के अंदर सामाजिक समरसता की भावना में वह चीज प्रेम से, उनको प्रेम था हरिजन से, नीचे के पायदान के व्यक्ति से। जहां प्रेम होता है वहां ये नहीं कोई देखता है कि ये कैसा है, वहां तो अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है, बुरा दिखता ही नहीं है प्रेम के बाद। भगवान कृष्ण के लिए गीत गाते हैं ना, मुख चूम लियो चुचुवात पसीना, कहते हैं ना रासलीला में, रासलीला में गीत संगीत का प्रयोग करते हुए ये गाते हैं ना रासलीला में भगवान कृष्ण के लिए, तो पसीना है। जब उस पसीने की दशा में प्रेमी प्रेमिका परस्पर मिलते हैं और पसीना चेहरे पर रहता है, उस समय रुमाल से पोंछने का होश नहीं रहता है। प्रेम में ये सब कुछ दिखता नहीं है। हरिजन नीचे के पायदान के व्यक्ति से जब महाराज जी को ऐसा प्रेम था कि उसके पसीने में भी गंगा जल दिख रहा था, तो सामाजिक समरसता में प्रेम की भावना थी, दिखावटी भावना नहीं थी उनकी, इसलिए उनके हृदय से निकला कि ये तो गंगा जल की तरह पवित्र है। दिखावटी भावना होती तो कहते नहीं रहने दो, कोई दूसरी चीज खा ली जाएगी, लेकिन साथ वालों को भी कह दिया वो गंगा जल से भी पवित्र है। आ गया अब तो रोटी बन करके तैयार हो गया तो सब जल जुल गया, जो पानी मानी था वो भी क्या होगा। अरे जिस खेत में आप लोटा लेकर सवेरे जाते हैं और गंदगी करके चले आते हैं, उसी में पैदा हुआ गेहूं हुआ, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, बोलो खाते हो ना? कह दो कि उसमें तो झाड़ा फिरने जाते थे, मैदान जाते थे उसमें, तो हम इसलिए नहीं खाएंगे गेहूं। बंधुओं बड़े गंभीर रहस्य हैं, कहां तक मैं आपके सामने वर्णन करूं, ये बड़ी सूक्ष्म बातें।
बड़ी सूक्ष्म बातें, बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। Thank you.